फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक बाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्री इक्विटीज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। मींस एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वो चीजें फुलफिल नहीं करते हैं तो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्टिव डायरेक्टरी का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में भी हमने इसके ऊपर बात किया था, मैं उसी चीज को एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा। एक्टिव डायरेक्टरी आपका एक डेटाबेस होता है, मींस आपका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जिसमें आपके यूजर्स की, ग्रुप्स की एंड कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये सारा का सारा सेंट्रलाइज मैनेज होता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। एन एनटीएफएस पार्टीशन विद इनफ फ्री स्पेस, मिनिमम 32 GB। हम जिस पार्टीशन के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, मींस सी ड्राइव हो या डी ड्राइव हो, वो पार्टीशन हमारा एनटीएफएस फॉर्मेटेड होना चाहिए और उसकी जो मिनिमम स्पेस है वो 32 GB होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो एन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2008, 2012 R2, 2016। एक्टिव डायरेक्टरी जो है आपका विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, इनमें से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा जो लैब रहेगा वो रहेगा 2012 R2 के ऊपर। अ NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपको एक नेटवर्क कार्ड की जरूरत पड़ती है जिससे के थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सके, अपने सर्वर को कनेक्ट कर सके। प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड TCP/IP मींस IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे, ये आपका ऑप्शनल है। प्रीफर्ड DNS भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मींस ये आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये चीजें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। DNS सर्वर, जी हाँ, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के लिए DNS सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रहे कि एक्टिव डायरेक्टरी आपका बिना DNS के काम नहीं करता है, यानी DNS ये वो चीजें हैं जो इसके लिए मैंडेटरी है। DNS सर्वर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के लिए। DNS सर्वर के ऊपर एक हमारा अलग से लेक्चर रहेगा कि DNS क्या होता है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। DNS सर्वर एक आपका मीडिएटर सर्वर होता है जो आपके होस्ट को IP में और IP को होस्ट नेम में चेंज करता है। अ डोमेन नेम दैट यू वांट टू यूज लाइक techbyte.com, techbyte.local etc. मींस आपको एक डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ भी दे सकते हैं इसको, example.com, techbyte.com, abc.com। इसको हम कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलिए अब हम अपने लैब का ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है जिसके ऊपर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल किया हुआ है। ये सारा का सारा हमारा लैब है जिसपे हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने सिस्टम का नाम जो है वो DC1 रखा हुआ है। IP जो मैंने इसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168.1.102। गेटवे मैंने 192.168.1.1 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये मेरे मॉडम का IP है जिसके थ्रू मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं इसको ब्लैंक। प्रेफर्ड DNS के अंदर मैंने इसी की IP कॉन्फ़िगर की हुई है 192.168.1.102, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं इसके सर्वर के ऊपर तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर तो बनता ही बनता है, साथ साथ ही हमारा DNS का के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए मैंने DNS के ऊपर इसकी IP को कॉन्फ़िगर किया है। अल्टरनेट DNS में मैंने 8888 गूगल का IP दिया हुआ है, आप इसको ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एंड लोकेशन,
मैंने एक्टिविटी की सारी चीजें आपको बता दी, बट ये चीजें मेरे से थोड़ी सी स्किप हो गई थी मेरे माइंड से। तो मैं बताता हूँ कि जो एक्टिविटी की जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जब हम एक्टिविटी को इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो मैंने बताया था एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है एक्टिविटी का, वो कैसा होता है, क्या फाइल होती है, क्या उसकी एक्सटेंशन होती है, या वो कहाँ पे स्टोर होता है, उसी चीज के बारे में आज बात करते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर एक एनटीडीएस का फोल्डर होता है, जिसके अंदर आपको ये कई सारी फाइलें मिलेंगी, जिसमें से हमारा जो एक्टिविटी का जो डेटाबेस होता है वो ये होता है, ntds.dat। यानी यही वो सेंट्रलाइज एक्टिव डायरेक्टरी की फाइल होती है, जिसके ऊपर आपकी यूजर्स की, आपके कंप्यूटर्स की, आपके ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये इसकी लोकेशन है, सी ड्राइव, विंडोज, एनटीडीएस फोल्डर, और ये है वो फाइल ntds.dat। .dat इसकी एक्सटेंशन होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और एक जरूरी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ कुछ समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करके लिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।